मध्य प्रदेश सरकार के कारण बताओ नोटिस का सामना कर रहे 2014 बैच के आईएएस अधिकारी लोकेश कुमार जांगिड़ ने दावा किया है कि एक अज्ञात शख्स ने सिग्नल ऐप पर उन्हें धमकी दी है। उन्होंने राज्य के डीजीपी विवेक जौहरी से निजी सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि रिकॉर्डेड टेलीफोन बातचीत और सिग्नल पर आईएएस ऑफिसर के ग्रुप पर चैट लीक करने के मामले में जांगिड़ को नोटिस जारी किया गया था। डीजीपी को दी शिकायत में जांगिड़ ने लिखा कि रात करीब 12:15 बजे उनके पास एक कॉल आया जिसमें कहा गया कि यदि अपना और परिवार का भला चाहते हो तो 6 माह की छुट्टी पर चले जाओ। आईएएस अधिकारी ने लिखा कि व्यापक मामले में विसिल ब्लोअर की तरह मैं अपने और अपने परिवार के लिए खतरा महसूस कर रहा हूँ, कृपया मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। सर पत्र लिखा आपने डीजीपी साहब को क्यों सर? देखिए मुझे बीती रात करीब 12:15 बजे मेरे पास में करीब 11:49 मेरे पास में सिग्नल पर अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया और मुझे धमकी दी गई कि तू नहीं जानता है कि तूने किन लोगों के साथ में पंगा लिया है, साधना भाभी के साथ जो तूने किया है उसके लिए तूने अपनी मौत को तूने आमंत्रण दिया है और अगर तू अपनी जिंदगी प्यारी तुझे है और तेरा बेटा जिसकी तू व्हाट्सएप पे स्टेटस पे फोटो लगाता रहता है उसकी जिंदगी अगर तुझे प्यारी है तो 6 महीने के लिए तू छुट्टी पे चले जा और बिल्कुल चुपचाप हो जा और मीडिया से बात करना तू बंद कर दे। सर तो शिकायत आपने कैसे करी है, किस माध्यम से कहा? मैंने शिकायत नहीं करी है, मैंने पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए लिखा है क्योंकि व्यापम में विसल ब्लोअर्स के साथ में जो मध्य प्रदेश में हुआ वो पूरा देश जानता है और इसलिए मेरे साथ भी कोई अप्रिय घटना घटित होने से इनकार नहीं किया जा सकता है तो मैं और मेरा परिवार ये चाहते हैं कि हमें माननीय गृहमंत्री मध्य प्रदेश हमें सुरक्षा प्रदान करें ताकि हमारे साथ में कोई अप्रिय घटना ना हो। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 2014 बैच के एमपी केडर के लोकेश का 54 महीनों में 9 बार तबादला हुआ, यानी लगभग हर 6 महीने में एक बार। अब उन्होंने अपने बीमार दादा और विधवा माँ की देखभाल के लिए गृह राज्य महाराष्ट्र में 3 साल की प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया है। हालांकि सोशल मीडिया में आईएएस अधिकारी के ग्रुप में किए गए उनके जो पोस्ट लीक हुए हैं वो कुछ और ही कहानी कहते हैं। उनके लीक पोस्ट में 54 महीनों में नो पोस्टिंग के बारे में उनका दर्द बयां करती है, बावजूद इसके कि वे मैदान में लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। उनके लीक पोस्ट अधिकारियों के बीच बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को सहन करने में उनकी असमर्थता को जिम्मेदार ठहराते हैं जिसके कारण उनका बार बार स्थानांतरण हुआ। वहीं इस मामले में कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन भी जांगिड़ के पक्ष में आए। कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा कि जांगिड़ का हम समर्थन करते हैं और उनके द्वारा लगाए गए हर आरोप से मैं सहमत हूँ। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने भी जैसा भी उनके स्टेटमेंट और ये सब जो पढ़े हैं ये हम लोगों के भी जो आरोप है या जो जिन लापरवाहियों के कारण बड़वानी जिले के शासन प्रशासन की लापरवाहियों के कारण हजारों लोगों की जो मौत हुई है कोविड-19 से, दूसरे चरण में लगभग करीब हजारों लोगों की जो मौत हुई है उसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण है, रेमडेसिविर इंजेक्शन के कारण है, अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल पाने के कारण है, तो ये जो हम लोगों के आरोप की भी पुष्टि होती है। और जांगिड़ जी ने जो बोला है उस बात से हम लोग भी, मैं समझता हूँ कि हम भी, मैं खुद भी एग्रीड हूँ, सहमत हूँ कि उनका जो आरोप है उनका और हमारा जो कहना है वो मानना है वो लगभग सेम है और मेरी उनके आरोपों की मैं भी पुष्टि करता हूँ कि बिल्कुल सत्य ऐसा ही हो रहा है बड़वानी जिले में।